आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय, मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना, नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं निष्ठा जावड़े स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ. शुरुआत में एक नज़र आज के सुर्खियों पर. खरगे और ओवैसी ने की मोदी जी की जोरदार आलोचना. राहुल गांधी के भाषण के शब्दों पर चली कैंची. वित्तीय धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग. हिंडलगा जेल के दो कर्मचारी निलंबित. सरकार पर बुनकरों के साथ अन्याय का आरोप. हेस्कॉम के विरुद्ध हकभंग प्रस्ताव की मांग. मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है. मानसून सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया. इतना ही नहीं, इस मामले में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी दाखिल किया गया है. इस बीच आज राज्यसभा में बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर काफी नाराज हो गए. उन्होंने हॉल में गुस्से में सवाल उठाया कि ओवैसी ने मोदी प्रशासन की भी आलोचना की. पीयूष गोयल ने जैसे ही कहा कि हम अपने मुद्दे उनके सामने रखने जा रहे हैं, नाराज मल्लिकार्जुन खड़गे ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा, जब प्रधानमंत्री आएंगे तो क्या होगा, क्या वे भगवान हैं? उन्होंने गुस्से भरे शब्दों में जवाब दिया. राहुल गांधी के भाषण के शब्दों पर चली कैंची. मणिपुर में भड़के दंगों ने विपक्ष को काफी आक्रामक बना दिया है. विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आया है. मंगलवार से इस अविश्वास प्रस्ताव पर जोरदार चर्चा भी शुरू हो गई है. राहुल गांधी ने बुधवार को अपने भाषणों में कुछ शब्दों का जिक्र किया था. अब इस पर कैंची चल गई है. लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे विवाद खड़ा हो गया. ये सभी शब्द अब उनके भाषण से हटा दिए गए हैं. बुधवार दोपहर 12 बजे राहुल गांधी ने अपने भाषण शुरू किया. फिर 5 मिनट के अंदर ही उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. अध्यक्ष ओम बिरला ने भी उन्हें समझाया. अब ये सारे शब्द उनके भाषण से निकाले गए हैं. वित्तीय धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग. सरकार को विभिन्न प्रकार के वित्तीय लेनदेन में शामिल कंपनियों की नीतियों पर अंकुश लाना चाहिए. साथ ही कर्मचारी संगठन की ओर से ऐसे कर्मचारियों और ग्राहकों को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की गई. इस मांग का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया. बयान में कहा गया है कि बाजार में विभिन्न नामों से वित्तीय लेनदेन करने वाली कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को धोखा दिया जा रहा है. इसके चलते ऐसे हजारों कर्मचारी सड़कों पर आ गए हैं. इसीलिए ऐसे भी कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. साथ ही जमकर्ताओं और कर्मचारियों की सुरक्षा का भी इंतजाम किया जाए. एक बयान के जरिए ऐसी मांग की गई. हिंडलगा जेल के दो कर्मचारी निलंबित. यहाँ हिंडलगा जेल के दो कर्मचारियों को ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया है. चीफ वार्डर बीएल मेलवंकी, वार्डर वीटी बागमोरे को उत्तरी डिवीजन पी का जेल उप महानिरीक्षक नियुक्त किया गया. पी शेख को निलंबित कर दिया गया है. निलंबित आरोपियों पर जेल में कैदियों को प्रताड़ित करने और वेतन भोगी कैदियों को मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने की इजाजत देने का आरोप है. हाल ही में जेल में कैदियों द्वारा एक दूसरे को पीटने की घटना सामने आई है. इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए निलंबन का आदेश जारी किया गया. वहीं जेल में कैदियों द्वारा मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर भी जांच चल रही है और एडीजीपी मलिनी कृष्णमूर्ति ने जेल उत्तर के उप महानिरीक्षक को सूचित कर दिया है. प्रभाग टीपी शेख को प्रारंभिक जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. सरकार पर बुनकरों के साथ अन्याय का आरोप.
प्रदेश में नई सरकार द्वारा बिजली दरें बढ़ाए जाने से कपड़ा उद्योग कारोबार संकट में है। व्यवसाय जो पहले से ही 4 साल तक कोविड के कारण संकट में था, बिजली दरों में बढ़ोतरी से पुंग हो गया है। इसलिए उत्तर कर्नाटक विणकर संघर्ष समिति ने कपड़ा उद्योग पर पहले की तरह ही बिजली बिल वसूलने, बुनकरों के लिए रुई हुई कल्याण योजनाओं को फिर से शुरू करने की आधी मांग की है। एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए उत्तर कर्नाटक बुनकर संघर्ष समिति के निदेशक गजानन गुंजेरी ने कहा कि हमारे प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से मुलाकात की थी और बुनकरों की विभिन्न मांगों पर चर्चा की थी। इस तथ्य को देखते हुए कि मुख्यमंत्री कल बेलगाम आ रहे हैं, हमारी मांगों को एक बार फिर उनके कानों में रखा जाएगा, उन्होंने कहा। हेस्कॉम के विरोध हकबंद प्रस्ताव की मांग। 2 दिन पहले मच्छे में पावर स्टब स्टेशन का शिलान्यास कार्यक्रम हुआ था। यह क्षेत्र विधायक अभय पाटिल के दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में आता है, तो एस्कॉम के सौजन्य से मुझे ठीक से निमंत्रण देना था, लेकिन विधायक अभय पाटिल का आरोप है कि ऐसा न करके शिष्टाचार का उल्लंघन किया गया है। इस संबंध में उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष यूकी खादर से शिकायत दर्ज कराई गई है। एस्कॉम के अधिकारियों ने इस संबंध में शिष्टाचार का उल्लंघन किया है, इसीलिए विधायक अभय पाटिल ने विधानसभा अध्यक्ष से उनके खिलाफ अधिकारियों ने हनन का प्रस्ताव लाने का अनुरोध किया है। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया, टूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, आराधना मारुति गली बेलगाम, मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलिशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 08312435777। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पिछले वर्ष भाजपा के समय स्व बेलगाम में आयोजित सम्मेलन में मच्छे क्षेत्र में 220 केवी का प्रोजेक्ट बनाने का प्रयास किया गया, यह जानकारी विधायक अभय पाटिल ने दी। उन्होंने कहा 6 माह पहले तत्कालीन ऊर्जा मंत्री ने विभिन्न औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक ली थी, सुनील कुमार से मुलाकात हुई थी। एक औद्योगिक इस्टेट में 220 केवी परियोजनाओं से उत्पादन में 30% की वृद्धि होगी। साई कॉलोनी में नागरिक समस्याओं का विधायक अभय पाटिल द्वारा निरीक्षण। विधायक अभय पाटिल ने धामने रोड स्थित साई कॉलोनी में नागरिक समस्याओं का निरीक्षण किया। नागरिकों को आश्वासन दिया कि अगले 15 से 20 दिनों में यहां की समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। साई कॉलोनी में पिछले कई महीनों से बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। पिछले दिनों हुई भारी बारिश के कारण कॉलोनी के कई घरों में बारिश का पानी घुस गया था। यहां तक पहुंचने के लिए कच्ची सड़क है और कीचड़ का साम्राज्य बना हुआ है। बड़े बड़े गड्ढे हैं और बारिश के पानी के कारण पोखर का रूप ले लिया है। आमदार अभय पाटिल ने रविवार 6 तारीख को इस इलाके का दौरा, यहां क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने उन घरों का भी निरीक्षण किया जहां बारिश का पानी घुस गया था। विधायक आयुक्त द्वारा मलिन बस्ती का निरीक्षण।
बुधवार को बेलगाम उत्तर के विधायक आमदार राजू सेठ और नगर निगम आयुक्त अशोक दुर्गुंडी ने न्यू अंधोरी कॉलोनी में मलिन बस्तियों का निरीक्षण कर लोगों की समस्याएं सुनी। आमदार राजू सेठ द्वारा शुरू की गई हेल्पलाइन पर इस क्षेत्र में कई समस्याएं, इसीलिए आमदार राजू सेठ ने आयुक्त अशोक दुर्गुंडी और अन्य अधिकारियों के साथ क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस क्षेत्र में सड़कें बन गई है लेकिन सीवर का काम आशंक है। हालांकि पक्के मकान बनाने का आश्वासन दिया है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लोगों ने इसकी शिकायत की। इस मौके पर पार्षद प्रीति कामकर समेत अन्य लोग मौजूद थे। नगर निगम में वित्तीय वसूली प्रकार की जोरदार चर्चा। नगर निगम में प्रशासनिक अधिकारियों पर 6 लोगों के समूह का दबाव डाला गया। मंगलवार को समूह के महत्वपूर्ण वर्ग से लगभग ढाई मालूम हो कि लाखों डॉलर की चोरी हुई है, लेकिन वरीय जन प्रतिनिधियों ने स्थिति को नजरअंदाज कर दिया है और अधिकारियों का भय बढ़ गया है। अब अधिकारियों का ट्रांसफर करेंगे, जांच कराएंगे। चर्चा है कि इस तरह की धमकी दी गई है। पहले एक विभाग से 1 लाख होने के बाद मंगलवार को एक विभाग से बेलगाम दक्षिण कार्यालय से 1.5 लाख के बेलगाम नॉर्थ ऑफिसर से 1 लाख और कुल 2.5 लाख रुपए वसूले हुए हैं। इस घटना की चर्चा नगर निगम में शुरू हो गई है। जय किसान सब्जी मंडी को नोटिस। जय किसान सब्जी मंडी यहाँ बेलगाम में है। नगर निगम ने एक नोटिस जारी किया है। भाजी मार्केट में नगर निगम द्वारा अनुमोदित निर्माण योजना को छोड़कर वहाँ किए गए सभी अतिक्रमण निर्माणों को ध्वस्त करने का सुझाव दिया गया है। जानकारी है कि यह नोटिस शनिवार दिनांक 5 को जारी किया गया था। नगर नियोजन विभाग से प्राप्त नगर निगम की ओर से सब्जियां बाजार को भवन निर्माण की अनुमति दे दी गई है। इसके अलावा कम्प्लीशन सर्टिफिकेट भी दिया गया है। नगर निगम द्वारा बनाए गए नक्शे के अनुसार निर्माण की मंजूरी दी गई है। यह प्रमाण पत्र तभी जारी किया जाता है। फिर यह प्रमाण पत्र कैसे दिया गया, यह सवाल उठाया गया है। मंथन संस्था के कार्यक्रम पर सहज प्रतिक्रिया। मंथन कल्चरल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने कथा यशस्विनी की इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। कृषि विभाग की स्मिता तिनेकर, जिम प्रशिक्षक अनुराधा जाधव, सराफ सुवर्णा रेवनकर, योग एवं कार्यक्रम में फिटनेस ट्रेनिंग देने वाली पूजा इजारे ने हिस्सा लिया। उन्होंने अपने क्षेत्र के अनुभव सुनाए। कार्यक्रम का समापन मुख्य अतिथि के रूप में देशपांडे इंडस्ट्री के मेघा देशपांडे के भाषण के साथ हुआ। अपर्णा देशपांडे ने परिचय दिया, संचालन अनुजा कुलकर्णी ने किया। बालिका आदर्श विद्यालय की छात्राओं ने अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर प्रदर्शन किया। धन्यवाद ज्ञापन लक्ष्मी तिगड़ी ने किया।